ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति ज्ञान में। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरी दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को मथुरा नगरी में हुआ था। इस दिन व्रत रख कर भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में जन्माष्टमी का पर्व कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें जानेंगे इसके बारे में। जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत होकर व्रत का संकल्प लें और व्रत प्रारंभ करें। इस दिन पूजा स्थल पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक कर उनका विशेष श्रृंगार करें, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं, कृष्ण मंत्रों का जाप करें। निश्चित काल पूजा मुहूर्त में खीरा काट कर बाल गोपाल का जन्म कराकर आरती करनी चाहिए। भाद्रपद अष्टमी के दिन व्रती को उपवास रखकर नवमी के दिन पारण करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते समय उन्हें उनकी प्रिय चीजें जैसे मोर पंख, गाय के दूध से बनी खीर, पंचामृत, मिठाई, माखन, मिश्री आदि अर्पित करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय तुलसी चढ़ाना शुभ होता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा में बासी या मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग ना करें। जन्माष्टमी पर पूजा करते समय शंख का प्रयोग अवश्य करें और इसी के माध्यम से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को रखने वाले को भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त प्रातःकाल 3:39 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त प्रातःकाल 2:19। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ 26 अगस्त सायंकाल 3:55। रोहिणी नक्षत्र समाप्त 27 अगस्त सायंकाल 3:38। निश्चित काल पूजा का समय 26 अगस्त की रात 12:00 से लेकर 12:45 तक। पारण का समय 27 अगस्त प्रातःकाल 5:56 के बाद। दही हांडी 27 अगस्त मंगलवार को। दर्शकों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।